हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 VXI मॉडल। 7,29,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है इस वाले मॉडल की। इंजन की बात करें तो Z12E इंजन इसके अंदर आता है, 1200 सीसी का, 80 bhp की पावर है और 111 nm टॉर्क है। एक सिलेंडर इसमें घटा दिया गया है, 3 सिलेंडर कर दिया है, पहले 4 सिलेंडर आते थे। इसके साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आप देख रहे हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी बनाई गई है। 24.8 kmpl का माइलेज क्लेम करती है मारुति 37 लीटर के फ्यूल टैंक से। BS6 2.0 इंजन इसके अंदर लगाया गया है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं और रियर में टॉर्च बीम सस्पेंशन मिलेंगे। 4.8 मीटर का टर्निंग रेडियस दिया गया है। वेंटिलेटेड डिस्क हैं फ्रंट में और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो 3.8 मीटर की लेंथ है, 1.7 मीटर विड्थ है, 1.5 मीटर की हाइट दी गई है, 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 2450 mm का इसमें व्हील बेस दिया गया है, 920 kg का कर्व वेट है और 1355 kg का ग्रॉस वेट है। तो पहले से थोड़े बहुत लुक्स चेंज किए हैं न्यू स्विफ्ट के। सी शेप में LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा मॉडल बनाया है, क्योंकि इसमें आपको जो स्पोर्टी लुक है वो और ज़्यादा एनहेंस कर दिया है, पहले से अच्छी दिख रही है। और थोड़ी बहुत इसमें एसेसरीज भी लगाई गई हैं इन द शोरूम, स्पॉयलर वगैरह ब्लैक कलर के स्किड प्लेट और आसपास व्हील आर्च क्लैडिंग, और इतने सारे ब्लैक कलर के इंसर्ट इस वाले मॉडल में देखने में रियल में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सेफ्टी की बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, सेंट्रल लॉकिंग है, एंटी थीफ अलार्म है, 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में दिए हुए हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। और ये हैं सी शेप LED टेल लैंप्स, टर्न इंडिकेटर, नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं 4 रिफ्लेक्टर्स, और ये है स्पोर्टियर रियर स्किड प्लेट, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके अंदर मिलता है। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन और रियर में टॉर्च बीम सस्पेंशन दिए गए हैं। सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग, डिफोगर ग्लास और हाई माउंट स्टॉप लैंप, पावर एंटीना है, और ये जो स्पॉइलर है ये आफ्टर एसेसरीज ब्लैक कलर में लगाया गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से भरेंगे पेट्रोल, 37 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, सिंपल स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा। 165/80 आर 14 इंचेस के व्हील्स हैं और ये आर्च क्लैडिंग ब्लैक कलर में, ये भी आफ्टर एसेसरीज लगाई गई हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर, फ्रंट वाइपर्स, और ये हैं हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स टर्न इंडिकेटर के साथ में, कुछ इस तरह की डिज़ाइन दी गई है। और नीचे आपको इसमें फॉग लैम्प नहीं मिलता, आफ्टर एसेसरीज ही लगाए गए हैं, क्रोम फिनिश भी आफ्टर एसेसरीज लगाई गई है, रेड इंसर्ट भी इसमें एसेसरीज में लगाए गए हैं बाद में। काफ़ी शानदार ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है ग्रिल की, सुजुकी का लोगो, और थोड़ी सी और स्पोर्टियर लगने लगी है पहले से स्विफ्ट। तो कुछ इस तरह की आएगी, 2 रिमोट कीज मिलेंगी इसके साथ, सुजुकी का लोगो बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ, इंटीरियर्स कैसे हैं चलिए देखते हैं गाड़ी के। तो भाई ये हैं ब्लैक कलर में इंटीरियर्स, फ्रंट डोर पर सॉफ्ट टच इंसर्ट भी हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है, बॉटल होल्डर है, क्रोम फिनिश डोर हैंडल है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर, यहाँ पर सॉफ्ट टच इंसर्ट दिए गए हैं, स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर। और भाई ये हैं इंटीरियर्स, देख सकते हैं न्यू स्विफ्ट के इंटीरियर्स कुछ इस तरह के बनाए गए हैं। केबिन में स्पेस भी अच्छी है, फ्रंट सीट पर आपको दोनों साइड हेडरेस्ट मिल जाएंगे एडजस्टेबल, और ये काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट दिए हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं आप, ये वाली जो पैसेंजर सीट है
इसको हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वो देख सकते हैं दोनों सीट्स पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं फ्रंट में, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको इसके अंदर मिलती है सीट्स पे, आफ्टर एक्सेसरीज कवर लगाए गए हैं। तो अब देखते हैं फ्रंट ड्राइवर साइड। तो भाई ये है ड्राइवर साइड का गेट, इसमें जो कंट्रोल्स हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं और बिल्कुल वही है सेम। सॉफ्ट टच इंसर्ट भी इसमें यहाँ पे भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर है पावर विंडोज़ की कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल्स, ऑटो लॉक अनलॉक, ऑटो डाउन, और ये फैब्रिक यहाँ पर लगाया गया है। थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे, बॉटल होल्डर यहाँ पे भी थोड़ी अच्छी स्पेस है, स्पीकर ग्रिल, टोटल 4 स्पीकर का म्यूज़िक सेटअप मिलेगा आपको इसके अंदर। और ये है भाई ड्राइवर साइड में इंटीरियर्स। स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, स्टीयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए हैं, टिल्ट के फंक्शन में स्टीयरिंग व्हील आएगा। फ्रंट एसी वेंट की डिज़ाइन, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, बोनट खोलने का लीवर, फ्यूल लिड खोलने का लीवर, 3 पेडल्स। क्योंकि आप ये मैनुअल गाड़ी देख रहे हैं, वैसे स्विफ्ट में ऑटोमेटिक वर्जन भी आता है। और यहाँ पे आपको ओनली रिक्लाइनिंग के लिए मिलेगा ऑप्शन, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, तो ये सीट को आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कुशनिंग वगैरह और सीट का कंफर्ट रियल में काफ़ी अच्छा बनाया है। तो चलिए भाई बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर, कुछ इस तरह की पोजीशन आएगी। सामने की तरफ मीटर है, कंसोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर, छोटी सी MID भी दी है, और कुछ इस तरह की लाइटिंग आ जाएगी। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस पे दी हुई हैं, और ये ऑडियो कंट्रोल्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स, और कॉलिंग के स्विचेस यहाँ पर दिए हैं। सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, कवर चढ़ाया गया है आफ्टर एक्सेसरीज, देख सकते हैं टिल्ट के फंक्शन में स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स, और ये है 7 इंचेस HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB टाइप ए, ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है, वेकअप थ्रू हाई सुजुकी। 4 स्पीकर है गाड़ी के अंदर अमेजिंग सराउंड साउंड क्वालिटी के लिए, तो टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, वाईफाई दिया हुआ है, ऑटो ब्राइटनेस दिया है, म्यूज़िक कंट्रोल्स, नीचे 2 AC वेंट्स हैं। यहाँ पे डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है, हजार्ड लाइट का स्विच, और ये है मैनुअल AC। आसपास काफ़ी अच्छी फिनिश दी है, मैक्स कूलिंग का फंक्शन दिया है, 12 वॉट का पोर्ट है यहाँ पे, और USB का पोर्ट, नीचे काफ़ी अच्छी स्पेस है, 2 ग्लास होल्डर हैं, और ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नॉब, लेदर रैप्ड। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, पीछे एक और ग्लास होल्डर मिल जाएगा, और वही सीट का कंफर्ट रियल में काफ़ी अच्छा है। कुशनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी बनाई है, देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी जो सीट है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी चौड़ाई में दिए हैं, और लेंथ भी अच्छी है सीट की। ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ में है, फ्रंट एसी वेंट, और काफ़ी अच्छी डुअल टोन फिनिश है डैशबोर्ड पे, देख सकते हैं भाई डैशबोर्ड का डिज़ाइन। तो ब्लैक इंटीरियर्स अच्छे लग रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे IRVM जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है,
लाइट दी है, यहाँ पे माइक दिया है, वैनिटी मिरर मिल जाएगा आपको इस साइड, और ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। तो भाई ये हो गया लेआउट फ्रंट इंटीरियर्स का। आप चलते हैं इसकी बैक सीट की तरफ कि वहाँ कैसा इंटीरियर्स है और कैसा कंफर्ट मिलता है। चलिए तो भाई ये है रियर डोर, रियर इंटीरियर्स सेम ब्लैक कलर की फिनिश, लेकिन पीछे आपको इसमें सॉफ्ट इंसर्ट नहीं मिलते हैं जैसे आगे के डोर में थे फैब्रिक अपॉलस्टी में। इस पर हार्ड टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। इंसर्ट आपको इसमें क्रोम के मिल जाएंगे डोर हैंडल, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है। पावर विंडो कंट्रोल, चारों पावर विंडोज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। यहाँ पे हार्ड टच मटेरियल है और बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल। तो भाई ये है रियर सीट्स। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते इस VXI मॉडल में, तो देख सकते हैं फिक्स हेडरेस्ट है, लेकिन स्पेस तो अच्छी है और जो सीट का कंफर्ट है, सीट की चौड़ाई वो भी अच्छी है। कंफर्ट तो बनाया गया है भाई इस बार स्विफ्ट के अंदर। तो देख सकते हैं फिक्स हेडरेस्ट है, पीछे पार्सल ट्रे है, तो वही बैठ के देखते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एसी वेंट नहीं है, पीछे एक कप होल्डर है। तो वही पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की फिट और फिनिश अच्छी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके साथ यहाँ एक ग्रैब हैंडल है और एक यहाँ पे भी दिया है ग्रैब हैंडल, और ये हेडरेस्ट बनाए हैं। और चौड़ाई देखिए सीट की, वो काफ़ी अच्छी चौड़ाई है भाई इस सीट की, तो कंफर्ट अच्छा है पीछे की सीट का भाई। पहले से अच्छा कर दिया है, पहले थोड़ा सा कम आता था, अब अच्छा कर दिया है भाई सीट का कंफर्ट। तो इसमें आपको मिल जाती है 265 लीटर की बूट स्पेस, पीछे पार्सल ट्रे है, दो बड़े ट्रैवल बैग तो यहाँ पर ईजीली आ जाएंगे। कुछ इस तरह का डोर है, पार्सल ट्रे, नीचे रिफ्लेक्टर्स रखे हुए हैं, हुक्स दिए हैं, तो स्पेस तो काफ़ी अच्छी है वैसे बूट स्पेस। ये इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप रिफ्लेक्टर्स, और यहाँ पे रखा है भाई स्पेयर व्हील, देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है। तो ये हो गई बूट स्पेस। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सेफ्टी में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थीफ अलार्म, 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, साइड एयरबैग फ्रंट में, डे नेट रेयर व्यू मिरर, कर्टेन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट वार्निंग, डोरज वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थीफ अलार्म, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आईओसीफिक चाइल्ड सीट माउंट, हिल असिस्ट, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में मिल रहे हैं। तो वही पहले से डिज़ाइन में अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजअप किए हैं, इंटीरियर्स थोड़े से चेंज किए हैं, इंजन में काफ़ी बदलाव कर दिया है भाई, लेकिन ट्यूनिंग अच्छी है इंजन की और रिलायबल भी रहने वाला है, एवरेज भी बहुत अच्छा होने वाला है पहले की तुलना में, और पावर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं भाई पावर में, और लेकिन एवरेज बहुत अच्छा बनाया है। तो भाई ये थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 VXI मॉडल। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी गाड़ी रहने वाली है, इंडिया की सबसे बेस्ट हैचबैक में से एक आती है मारुति स्विफ्ट, कई बार कार ऑफ द ईयर भी जीत चुकी है। तो भाई गाड़ी कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स बताइए। थैंक यू।